क्या देख रही हो बेटा? मामू ये पिक्चर देखे, आपको पता है मैं जब भी ये पिक्चर देखा करती अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती थी मेरे चेहरे पर। आज पता नहीं क्यों तो मैं तस्वीर उनकी देख रही हूँ तो आंखों में नमी और अजीब सी उदासी है। वो तो बेटा यादें होती ही ऐसी, कभी मुस्कुराहट का बाइस बनती है तो कभी आंसू की वजह बन जाती है। पता है कभी कभी सोचती हूँ कि बाबा यहाँ होते कुछ दिन और जी लेते तो कम से कम ये शादी तो इतनी उदास ना हो रही होती। बेटा वो इतनी ही सांसें लेकर आए, तकदीर से ना कोई लड़ा है और ना कोई जीत सका है। अब हमें उनके बगैर उनकी यादों के सहारे ही जिंदगी बसर करनी है। अच्छा ये बताओ कि असद से बात हुई? नहीं मामा, उनका मूड ठीक नहीं है, किसी बात का जवाब ही नहीं दे रहा। तुमने पूछा? मैंने कॉल्स की थी, मैसेजेस भी किए थे, उनका कोई रिप्लाई नहीं आया मुझे। मुझे बस परेशानी हो रही है कि कहीं उनकी तबीयत ना खराब हो। अरे मैं इतनी परेशान हूँ और आप मुस्कुरा रही हैं। तुम्हारे चेहरे पर असद के लिए इतनी परेशानी देकर मुझे अच्छा लगा। बीवियों को अपने शौहरों की इसी तरह परवाह करनी चाहिए। मामा, एक रिक्वेस्ट है आपसे। हाँ बेटा। प्लीज थोड़ी देर असद को देखने के लिए घर चली जाओ, उन्हें देख लूंगी ना तो सुकून आ जाएगा, वरना यहाँ भी दिल नहीं लगेगा मेरा। ठीक है बेटा चली जाओ, मैं हारिस से कहती हूँ तुम्हें छोड़ आएगा। लेकिन मामा हारिस भाई नाराज हो गया तो? नहीं बेटा क्यों नाराज होगा, मैं जाती हूँ बुलाती हूँ उसको। अपनी बूटी तकदीर।